Hello and good morning all my dear viewers. This is Deepak Jain here in English Mania. And आज मैं एक बेहतरीन टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ, वो है सफलता. सफलता एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति पाना ही पाना चाहता है. ऐसा कौन होगा जो सफलता पाना नहीं चाहता. लेकिन सफलता हर किसी के नसीब में नहीं होती. सभी लोग ट्राई करते हैं, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग असफल हो जाते हैं, राइट? तो देखिए, सफल होना और असफल होना तो बाद की बात है. सबसे पहले मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ बताने जा रहा हूँ. अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हो या आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके जीवन में सफलता नहीं आ रही है और आप परेशान हो, डिप्रेशन में हो, तो आपको बता दूं मैं, ये सफलता के आने का कारण क्या बनता है. सफलता के आने का कारण सबसे पहले जो बनता है वो है डिजायर. जी हाँ, डिजायर मतलब मन, आपके मन का होना, राइट? देखो, दुनिया में बहुत सारी फील्ड्स हैं, कई क्षेत्र हैं जिनमें लोग सफल भी होते हैं और असफल भी होते हैं. लेकिन अगर आपका मन ही ना हो, किसी भी क्षेत्र में आपका मन ना हो, तो आप उस काम की शुरुआत ही नहीं करेंगे. एक मन का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है. मान लीजिए आप एक माता पिता हैं और आपका बच्चा एक क्रिकेटर बनना चाहता है, मतलब उसका मन है क्रिकेटर बनने का, तो आपको बधाई हो, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपके बच्चे का मन है. और ये मन का होना बहुत बड़ी बात होती है. ऐसे में अपने बच्चे का अगर उसका किसी क्षेत्र में मन है तो उसका दिल ना तोड़े किसी भी कला को लेके, किसी खेल को लेके, है ना? तो जैसे मान लीजिए आप ये चाहते हैं आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई ही करे, तो पढ़ाई लिखाई तो कराए उसको, मगर साथ ही साथ अगर वो खुद कहता है कि मेरा यह काम करने का मन है, तो ये बहुत बड़ी बात है. और अगर खासकर उसका मन का होना किसी ऐसे क्षेत्र से हो जिसमें बहुत बड़ी अपार सफलता छुपी हुई हो, जिसमें, राइट? जैसे मान लीजिए वो कहता है कि मेरा क्रिकेट खेलने का मन है, तो क्रिकेट में तो बहुत बड़ी सफलता मिलती है ना. वो कहता है मेरा हीरो बनने का या फिर एक्टर बनने का मन है, तो जाहिर सी बात है हीरो और एक्टर बनके वो बहुत बड़ी सफलता पा सकता है. बहुत लोग ऐसे हैं जिनका मन ही नहीं है, तो वो पहले कदम पर ही असफल हो जाते हैं. अब सवाल ये उठता है कि मन बनता कैसे है. कुछ लोगों का तो आंतरिक मन बन ही जाता है, उसे कई बार हम किस्मत भी कह सकते हैं. ये बहुत बड़ी किस्मत की और सौभाग्य की बात है अगर हमारा किसी काम में मन होता है तो, राइट? दूसरा, मन का होना एक आसपास के माहौल से भी होता है, राइट? जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप अगर जिम जाते हो तो वहां आपका एक्सरसाइज करने का मन बनता है, तो वहां आप वजन उठाते हो क्योंकि आप दूसरों को वही करते हुए देखते हो, राइट? ऐसे ही यहां होता है इंग्लिश के इंस्टीट्यूट में, क्योंकि अंग्रेजी ऐसा नहीं है कि घर में नहीं सीखी जा सकती, सीखने वाला घर में भी सीख जाएगा. लेकिन मन का होना सबसे बड़ी बात है. लेकिन जब आप घर पे होते हो तो आपका मन नहीं करता, मन करता है माहौल से, जब हम एक दूसरे को देखते हैं वही काम करते हुए, तो उससे कंपटीशन भी होता है और कंपटीशन से बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, राइट? तो आप जिम का सामान अगर अपने घर में भी रख लोगे, राइट, तो जरूरी नहीं है कि आपका जिम करने का मन करे. घर में आप कितना भी सामान रख लेना, लेकिन आप एक्सरसाइज जिम में ही जाकर के करोगे. ऐसे ही ये अंग्रेजी भाषा सीखने का है. पूरी अंग्रेजी भाषा क्या यूट्यूब पर नहीं है? क्या मोबाइल फोन में नहीं है? आपकी एक क्लिक पे सब कुछ आ जाएगा, लेकिन आप करें जब ना, राइट? क्योंकि मन नहीं करेगा. तो क्या होता है, जैसे बच्चा जिम जाता है या अंग्रेजी की कोचिंग में आता है,
तो उस डेढ़ घंटे में उसका मन सिर्फ एक जगह केंद्रित होता है माहौल की वजह से, राइट। जैसे एक बच्चा शराबी कंपनी में यानी संगत में पड़ जाए, तो चाहे वो ना भी पीता हो तो एक पॉसिबिलिटी है एक दिन उसका पीने का मन कर ही जाएगा, तो शराबी बन जाएगा। तो माहौल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, पॉजिटिव भी पड़ता है और नेगेटिव भी पड़ता है। तो ये सफलता की जो शुरुआत है ये डिजायर यानी मन के होने से होती है। अगर मन ही नहीं होगा तो सफलता की शुरुआत ही नहीं होगी और आप अनजाने में ऑटोमेटिकली असफलता की तरफ बढ़ जाओगे। और भले ही जिम की बात नहीं, भले ही अंग्रेजी सीखना नहीं, किसी भी क्षेत्र में, डांसिंग में, सिंगिंग में, राइट। आप कभी अपने आप को देखना कि क्या कभी आपका सिंगर बनने का मन किया, क्या कभी आपका डांसर बनने का मन किया, और जब मन ही नहीं किया तो आप उस क्षेत्र में जरा सी भी सफलता कैसे पा लोगे, क्योंकि शुरुआत ही नहीं करोगे ना। तो मन का होना बहुत बड़ी बात है। अगर आपका किसी काम को करने का मन करता है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, तो आपको लाख लाख बधाई हो, आप सफलता के मार्ग पे पहला कदम आपका बढ़ गया। सिर्फ डिजायर के होने से सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे और भी बहुत चीजें हैं जो आपको हासिल करनी है, जो आपको करनी है सफलता को हासिल करने के लिए, राइट। तो जब भी आपका किसी काम का मन करे, या अगर आप एक माता पिता हैं और अगर आपके बच्चे का कोई काम का मन करे करने का, तो आप अपने आप को बधाई देना उस केस में। ओके, दैट वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर एंड बाय नाउ।